शासकीय एवं निम्न शासकीय सेवा में काम करने वाले मूक बधिर और अस्थिव्यंग कर्मचारियों को अपना काम अधिक क्षमता से करने मिले इस हेतु से राज्य शासन ने सहायक तंत्रज्ञान उपकरण उन्हें उपलब्ध करा देने की उपाय योजना की है। इस योजना संबंधित अध्यादेश भी जारी किया गया है। ये जानकारी कर्मचारियों को मिले इस हेतु से सोमवार को एक मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया था। वाशी के विष्णुदास भवे नाट्यगृह में सामाजिक न्याय और विशेष सहायक कोंकण विभाग की ओर से यह आयोजन किया गया था। इस शिविर में थाना रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, मुंबई और नवी मुंबई से तकरीबन 1500 कर्मचारियों ने सहभाग लिया था। इस समय उपकरणों की जानकारी, उनका इस्तेमाल और उन्हें उपलब्ध की जाने वाली जगह इस संदर्भ में जानकारी दी गई। इस उपकरण का फायदा निश्चित रूप से कर्मचारियों को होगा ऐसा विश्वास कार्यक्रम के अध्यक्ष जिलाधिकारी चंद्रशेखर ओक ने जताया। अपंगत्व थोड़ी अड़चन येते पण हे जे आज अत्याधुनिक साधन निघालेले या साधनांचा जर त्यांनी वापर केला तर ते सामान्य जो कर्मचारी आहे त्याच्या क्षमतेनं त्याच्या बरोबरीनं काम करू शकतात। त्यामुळे याची खूप आवश्यकता आहे आणि हे साधनांची किंमत जास्त असल्यामुळे अपंग कर्मचारी शिक्षक हे जे घेऊ शकत नव्हते त्यांना शासनाने ते विनामूल्य पुरवल्यामुळे वापर वाढेल आणि त्याच्या वापरामुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ होईल। शिक्षक जे आहेत ते शिक्षक विद्यार्थ्यांना चांगल्या प्रकारे शिकवू शकतील आणि याचा निश्चितच फायदा होणार आहे आणि याची खूप आवश्यकता होती। तर ते साधनं कोणती आहेत, त्याचे उत्पादक कोण आहेत, ते साधनं वापरल्यामुळे काय फायदा होईल याची माहिती देण्यासाठी आज त्यांची इथं कार्यशाळा घेण्यात आलेली होती। अब तक तकरीबन 2300 लोगों ने अपने नाम दर्ज कर इस योजना का लाभ लिया है। ऐसा बताते हुए योजना काफी कारगर साबित होगी ऐसा मत विभागीय समाज कल्याण अधिकारी लक्ष्मीकांत महाजन इन्होंने व्यक्त किया। ये जो शासकीय और निम्न शासकीय सेवाओं में जो अपंग व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको सुलभता से काम करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट अप्लायंसेस देने के लिए ये शिविर और ये जो कार्यशाला वो आयोजित की गई है और इसमें से पूरे ये 6 जिलों से अभी तक मेरे ख्याल से सवेरे के सत्र में कम से 300 पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया था। अभी जो 2 ही जिले का है मुंबई और उपनगर का उसमें मेरे ख्याल से अभी तक कुछ 150-200 के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुका है। कैमरामैन किरण कदम के साथ जैन कबराल की रिपोर्ट।